राधे कृष्णा, मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने एक और बहुत ही बेटर ज़मीन लेकर। ज़मीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ज़मीन जो है वो आपका 60 बीघे का प्लॉट है, या आपका जो रोड के दोनों तरफ 30-30 बीघा भूमि आपको यहाँ मिलेगी। 30-30 बीघा भूमि रोड के दोनों तरफ है, तो ये जो 60 बीघे का प्लॉट जो आपको दिख रहा है इसके बीच से रोड जाता है। तो अगर आप किसी बेटर काम के लिए इस प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे हैं तो रोड वाली ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित होने वाली है। तो वीडियो में आगे बात करें उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे हम। RS प्रॉपर्टीज़ इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण भारत की सबसे कम कीमत वाली ज़मीनें यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप संपूर्ण भारत में कहीं भी ज़मीनें खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास 80,000 रुपये प्रति एक एकड़ से स्टार्टिंग रेट है, और आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये प्रति एकड़ जैसी कम कीमत पर बढ़िया ज़मीनें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप कहीं भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की ज़मीन को बेचना भी चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल करा सकते हैं संपूर्ण भारत में कहीं भी। आज की जो प्रॉपर्टी है, देखिए काफ़ी अच्छी लोकेशन से ये प्रॉपर्टी आई है हमारे पास। अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम रहेगा आपका कन्हैपुर। ज़मीन से कुल 500 मीटर की दूरी पर है आपका ग्राम। अगर तहसील की बात की जाए तो ये लालगंज तहसील से कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और ब्लॉक है वो भी आपका लालगंज ही लगेगा ज़मीन से कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका ये मिर्ज़ापुर है, भूमि मिर्ज़ापुर में आपकी मिर्ज़ापुर से 30 किलोमीटर की कुल दूरी पर है, और स्टेट की अगर बात करें तो यह है आपका अपना उत्तर प्रदेश। यूपी के स्टेट से ये काफ़ी कम कीमत वाली ज़मीन हमने प्रोवाइड की है आप लोगों के लिए। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 30-30 बीघा के दो प्लॉट रोड के दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे। कुल 60 बीघा भूमि है, और यहाँ का जो बीघा है ये एक बड़ा बीघा रहेगा। जी हाँ, 27,000 स्क्वायर फीट वाला ये बीघा रहेगा आपका। एकड़ में 32 बिस्वा और एक बिस्वे में 1361 वर्ग फुट भूमि आपको मिलेगी। और बात की जाए यहाँ बीघे की तो ये आपका एकड़ में बात करें तो 1.6 बीघा एकड़ के बराबर यहाँ रहेगा। अगर ज़मीन की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम पर भूमि है, तो जिसे आप कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, सामान्य की ज़मीन है। कीमत की बात करें तो देखिए 6.5 लाख रुपीज़ पर बीघा, 6.5 6.5 लाख रुपए प्रति बीघा की कीमत है इसकी। और कुल आपको 60 बीघा भूमि है, अगर आप इसमें से 30 भी लेना चाहें तो वो आपके लिए उपलब्ध कराई दी जाएगी। अगर रोड की बात की जाए तो 15 फीट का रोड भूमि से लगा हुआ है, बाकी का आप देख सकते हैं आने वाले समय में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाएगी। अगर आगे बात करें फ्रंट की तो देखिए आपको तकरीबन 800 फीट, हाँ जी हाँ, 800 फीट का आपको फ्रंट मिल जाता है। और फसल की बात करते हैं इस भूमि के लिए, अगर आप इस भूमि पर जैसी भी फसल जिस किसी भी प्रकार की करना चाहें, सभी फसलें कर सकते हैं, धान, गेहूं, गन्ना, चना, अरहर, राई, मटर या किसी भी प्रकार की हरी सब्जी या गेहूं जैसी सभी फसलें। आगे बात करते हैं, देखिए ज़मीन पर आपको लाइट की अगर बात की जाए तो 100 मीटर की दूरी पर आपको लाइट भी मिल जाती है, तो एक अच्छा पॉइंट तो लाइट को लेकर रहेगा। वाटर लेवल की बात की जाए तो आपका मान के चलिए 100 फीट के आसपास का आपको यहाँ वाटर लेवल मिल जाता है। अगर हम मार्केट की बात करें तो देखिए मार्केट जो है आपका दीप नगर मार्केट रहेगा, भूमि से काफ़ी नज़दीक रहेगा ये दीप नगर मार्केट। और आगे बात की जाए ज़मीन को बेचने का कारण, तो देखिए कारण जो है वो एक मेन रहेगा कि पैसों की बेहद आवश्यकता, ऑनर को पैसों की बेहद अधिक आवश्यकता है, और इस कारण से ऑनर अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं अच्छी प्रॉपर्टी मिर्ज़ापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको यहाँ ये बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आबादी की बात की जाए तो भूमि से 500 मीटर की दूरी पर आबादी मिल जाती है, ये एक बेटर पॉइंट रहेगा इस प्रॉपर्टी को लेकर। अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो वो आपका दीप नगर रहेगा। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वह आपका मिर्ज़ापुर, भूमि से
मिर्ज़ापुर में जो आपको मिल जाएगा। सामने कुछ मुर्गी फॉर्म्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप जिस भी प्रकार के लिए भूमि चाहें वो उपयोग में ला सकते हैं। स्टेशन भूमि से कुल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जाति विशेष में बात करें तो यहाँ देखिए आपका ठाकुर, गुप्ता, कुशवाहा, पटेल जैसे अनेक जाति या देखा जाए तो सभी जातियों के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। हिंदू आबादी 90% करीबन यहाँ आपको मिल जाती है, तो 90% हिंदू आबादी मिल जाती है। जाति में काफ़ी सारे जाति वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो किसी प्रकार से एक जाति धर्म विशेष का ये क्षेत्र नहीं रहने वाला है। इससे बेटर ज़मीन आपको आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे बेस्ट है। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ज़मीन या इस जैसी कोई अन्य प्रकार की और ज़मीनें जो मिर्ज़ापुर में हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। बाकी आप अगर बनारस में प्रॉपर्टीज़ जाते हैं तो बढ़िया सी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बनारस में भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जैसे कि आप घर के लिए ज़मीन अगर बनारस जैसे सिटी में भी देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो संपूर्ण भारत में आप कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी कम से कम कीमत वाली अगर खरीदना चाहते हैं तो RS प्रॉपर्टीज़ इंडिया यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमसे बेटर ज़मीन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।